Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 4th August. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, keep on following all the safety precautions and at the same time follow ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स. आप लोगों ने घर में पेरेंट्स से भी सुना होगा, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर. मतलब वैक्सीनेशन तो ठीक है, इट इज़ अ प्रोटेक्शन, बट एट द सेम टाइम वन शुड नॉट थिंक कि अगर वैक्सीनेशन हो गया है तो वी आर एब्सोल्युटली सेफ फ्रॉम कोविड. नो, वैक्सीनेशन के साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप ऑन वेयरिंग मास्क. पब्लिक प्लेस में हम कहीं भी जाते हैं, बाहर घर से निकलते हैं, डू नॉट स्टेप आउट विदाउट योर मास्क. एंड सेकेंडली, फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर. मतलब जो कोविड प्रोटोकॉल्स जो हम फॉलो करते हैं, करते आ रहे हैं, उसे अभी आगे भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. वॉट इज दैट? दैट इज वेयर अ मास्क, maintain social distance and keep on washing your hands. So children, these are the only measures as of now to keep ourselves protected. Sabki lives bahut important hai, bahut hi zyada precious hai. So please take very good care of yourselves. Okay, we have completed chapter number 7, which was working with numbers till 50, and then we did activity worksheet 8, which was based on this chapter only. Now children, today we will start with a new chapter, and the chapter is working with numbers till 100. पहले हमने 10 तक किया, फिर उसके बाद 20 तक किया, then 50, 21 to 50, and today we will be doing numbers from 51 to 100. Okay? So chapter number 8 is working with numbers till 100. पेज नंबर इज 79 और मे बी 80. इन सम बुक्स जो थोड़े पुराने एडिशन वाली बुक्स है उसमें 79 होगा, एंड जो न्यू एडिशन है उसमें पेज नंबर इज 80. ओके, दिस इज द चैप्टर वर्किंग विथ नंबर्स टिल 100. ओके, सो चिल्ड्रन यू ऑल नो नंबर्स कैसे जनरेट होते हैं. बाय नाउ आई एम श्योर यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट व्हेन वी ऐड वन टू एनी नंबर, किसी भी नंबर में जब हम वन ऐड करते हैं वी गेट द नेक्स्ट नंबर. यह भी सबको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी भी नंबर में वन ऐड करते हैं तो वी गेट द नेक्स्ट नंबर. सो 49 में वन ऐड किया तो 9 ones बिकम 10 ones. सो 10 ones को वी कंसिडर इट एज 110, तो 4 10 + 110 दैट इज 5 tens. एंड फिर वन में कुछ नहीं बचा, सो 5 tens and 0 ones. That is number 50. So numbers from 50 till 59. 50 से लेकर के 59 तक सारे numbers में क्या है? 5 tens है. अब इतना तो समझ में आ गया, तो all the numbers from 50 till 59 will have 5 tens. ठीक है, तो मैं 5 tens बस एक बार में common बनाऊंगी. I will not make 5 tens from for each number. Okay? So first we will start with numbers from 51 to 60. NUMBERS, numbers 51 to 60. ठीक है, ये आपका नोटबुक वर्क नहीं है, यू नीड नॉट राइट दिस इन योर नोटबुक. ये क्योंकि बुक का ही वर्क है, नंबर्स कैसे जनरेट कर रहे हैं पहले हम उसको हमें समझना है. तो लेट अस फर्स्ट आई विल मेक 5 tens. ठीक है, फ्लावर्स है तो आई विल ऑल्सो मेक फ्लावर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is 1 10. Then 1 2 3 4 5
सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. दिस इज टू टेन, देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. दिस इज थ्री टेन, देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. दिस इज फोर टेन. सिंस वी नीड फाइव टेन, अभी हम 51 टू 100 कर रहे हैं, 51 टू 60, सो वी नीड फाइव टेन्स. तो एक टेन में यहां पे बना दे रही हूं. ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. ओके, सो नाउ फाइव टेन्स. नंबर्स फ्रॉम 50 टिल 59, ऑल द नंबर्स विल हैव फाइव टेन ओनली. तो वन टेन टू टेन थ्री टेन फोर टेन एंड फाइव टेन. फाइव टेन्स विल रिमेन कॉमन फॉर ऑल द नंबर्स फ्रॉम 50 टिल 59. 50 से लेकर के 59 तक सारे नंबर्स में फाइव टेन्स जो है वो कॉमन रहेगा. ठीक है, नाउ विद फाइव टेन्स, फाइव टेन्स एंड वन वन. ओके, फाइव टेन्स एंड दिस इज वन वन. सो दैट मीन्स वी कैन से फाइव टेन्स एंड वन वन. ठीक है, फाइव टेन्स एंड वन वन. वॉट इज द नंबर? फाइव टेन्स एंड वन वन. इसको आप फाइव टेन्स वन वन और फाइव टेन्स प्लस वन भी बोल सकते हो. यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है बीच में, दैट इज इट इज एडिशन ओनली. सो वी कैन से फाइव टेन्स वन वन, वी कैन से फाइव टेन्स एंड वन वन, और वी कैन से फाइव टेन्स प्लस वन टेन वन वन. ऑल आर सेम. ठीक है, सो फाइव टेन एंड टेन्स एंड वन वन, द नंबर इज 51. क्या नंबर बनेगा? 51. एंड द नंबर नेम इज 50 एंड 1, दैट इज 51. नंबर नेम्स में चलो इसके साथ ही साथ हम करते चलते हैं. एफ आई एफ टी वाई 50 ओ एन ई 1. नंबर इज 51 एंड नंबर नेम इज 51. ठीक है, अभी नंबर नेम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. नंबर नेम इज जस्ट द वे वी स्पेल द नंबर. कोई भी नंबर है उसको हम कैसे स्पेल करते हैं, दैट इज नंबर नेम. सो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव टेन्स एंड वन वन, दैट इज फाइव टेन्स एंड वन वन. द नंबर इज 51 एंड नंबर नेम इज एफ आई एफ टी वाई ओ एन ई 1. ओके, देन फाइव टेन्स एंड वन एंड टू, सो दैट इज फाइव टेन्स एंड टू वंस. फाइव टेन्स एंड टू वंस, फाइव टेन्स एंड टू वंस, दैट इज 52. फाइव टेन्स एंड टू वंस, तो 50 एंड टू. इसको आप एक मिनट बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इरेज कर रही हूँ एक बार. जैसे फाइव टेन्स एंड वन वन है, सो फाइव टेन्स दैट इज 50 एंड वन वन इज वन ओनली. तो फाइव टेन्स वन वन को हम 50 प्लस वन लिख सकते हैं. देन वन एंड टू, सो फाइव टेन्स एंड टू वंस. ठीक है, दैट इज फाइव टेन्स इज 50 ओनली एंड टू वंस, दैट इज टू. टू वंस का मतलब क्या हुआ? टू टाइम्स वन, दैट इज वन एंड वन. सो फाइव टेन्स एंड टू वंस, और वी कैन ऑल्सो से 50 प्लस टू, सो द नंबर इज 52 एंड द नंबर नेम इज एफ आई एफ टी वाई 50
RTWO 252. Okay. Then now next is 1, 2 and 3. जैसे हम कहते हैं ना कि when we add 1 to any number, we get the next number. तो 1 हम किस में add करते हैं? Where do we add 1? Tens में या ones में? कहाँ पे हम add करते हैं? We add 1 to the ones, not to tens. ठीक है? 550 से लेके 59 तक, all the numbers will have 510 only. जो हम 1 add कर रहे हैं, we are adding that 1 to ones. ठीक है? जैसे 5 tens and 0 ones. जीरो में हमने वन ऐड किया तो इट इज 5 tens and 1 1. 1 1 में हमने वन ऐड किया तो 5 tens and 2 1s. ओके, 2 में हमने वन ऐड किया तो 5 tens and 3 1s. तो जो हम कहते हैं वी से कि व्हेन वी ऐड 1 टू एनी नंबर वी गेट द नेक्स्ट नंबर. तो जो हम 1 ऐड करते हैं दैट 1 इज एडेड इन 1s नॉट इन टेंस, इतना याद रखना. ठीक है? So 5 tens and 3 1s. 5 tens and 3 1s. So 5 tens, that is 50 plus 3 1s. 3 1s is 3 only. So 50 plus 3 is equal to 53. And the number name is FIFTY 50 THREE 3. 53. ठीक. Then 5 tens and 1, 2, 3, 4. So this is 5 tens, 4 1s. ठीक है? 5 tens तो कॉमन है सब में, 1, 2, 3, 4. 5 tens and 4 1s. So that is 5 tens is 50. Plus 4 1s. 4 1s, that is 4 only. So 50 plus 4, the number is 54. And the number name is FIFTY 50 FOUR 4. I hope children you remember that when we write number name, we always start it with capital letter. Number names ko hum hamesha capital letters start karte because they are proper nouns. They are names of a particular number. ठीक है? और हर एक नंबर तो एक बार ही आता है. नो नंबर इज रिपीटेड. काउंटिंग अनलिमिटेड है, उसका कोई एंड नहीं है. कहाँ से काउंटिंग मतलब स्टार्ट होकर के कहाँ तक खत्म होगी, देयर इज नो एंड. तो ऑल द नंबर्स कम ओनली वंस, कोई भी नंबर रिपीट तो होता नहीं है. सो नंबर नेम्स आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन्स, दे आर नेम्स ऑफ स्पेसिफिक नंबर्स. सो वी ऑलवेज स्टार्ट देम विद कैपिटल लेटर. नाउ चिल्ड्रन व्हेन यू राइट दिस नंबर, ठीक है, 51. तो 51 इज वन नंबर. ठीक है? इससे 50 अलग एंड 1 अलग नहीं है. तो 50 का F तो हम कैपिटल लिखते हैं, बट जैसे 1 का O इज स्मॉल ओनली, बिकॉज 51 दिस इज वन नंबर. ठीक है? 1 अलग से नहीं है, 51 और 52 और 53. तो दिस 1, 2, 3, दीज आर नॉट सेपरेट. ठीक है? वो पूरा एक नंबर है, इसीलिए ये हम सेकेंड वाला जो नंबर है इसका फर्स्ट लेटर तो हम स्मॉल लिखते हैं, बट फर्स्ट लेटर ऑफ दिस नंबर इज कैपिटल. ओके, सो 50 प्लस 4, दैट इज 5 tens and 4 1s इज 54. ओके, आई एम गोइंग टू इरेज दिस. इसको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है. दिस यू नीड नॉट राइट इन द नोटबुक बिकॉज दिस इज गिवन इन द बुक. ये जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, सो यहां से अभी मैं इरेज कर रही हूँ. ओके, इसको पूरा मैं इतना इरेज कर रही हूँ. अभी नाउ 54 तक हमने लिखा. Now 55 onwards. 55, that is 5 tens and 5 1s. So 5 tens to already hai. 1, 2, 3, 4 and 5. So this is 5 tens and 5 1s. Or we write it as 50 plus 5. 5 tens is 50 and 5 1s is 5. So 50 plus 5, the number is 55 and the number name is FIFTY 50 FIVE 5. 5 tens and 5 1s. We can say 50 plus 5,
50 plus 5, the number is 55 and the number name is 55. Okay. Then next is 5 tens and 6 ones. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So that is 5 tens and 6 ones. 5 tens and 6 ones. So 5 tens is 50 and 6 ones is 6. जैसे मैंने बताया कि 5 tens, 6 ones. इसको we can read it as 5 tens, 6 ones. We can read it as 5 tens and 6 ones. And we can also read it as 5 tens plus 6 ones. Okay? 5 tens, 6 ones का मतलब क्या हुआ? कि 5 tens और 6 ones. तो and in addition, जब हम and बोलते हैं, तो we use the sign of addition only. That is the sign of addition. तो 5 tens and 6 ones. So 5 tens, 6 ones or 50 plus 6. The number is 56. And the number name is FIFTY 50. SIX 6 56. Okay, then next is 5 tens and 7 ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so 5 tens and 7 ones. So 5 tens, that is 50, and 7 ones, that is 7. 50 plus 7, the number is 57, and the number name is FIFTY 50 SEVEN 7. 57. Okay, 5 tens and 5 ones, that is 50 plus 5. 55, then 5 tens and 6 ones. So 50 plus 6, that is 56, and 5 tens plus 7 ones, that is 50 plus 7, 57. Okay? Isko bhi main erase karungi, children. Okay, as I told you, isko likhne ki zarurat nahi hai. You need not try this. 57, now next is 57 के बाद next comes 58. One, two, three, four, five, six, and seven. One, two, three, four, five, six, seven. So 5 tens and 7 ones. 5 tens and 7 ones. So 5 tens, that is 50, and 7 ones is, 7 ones ka matlab kya hua? 7. So 50 plus 7, the number is 57. 5 tens and 7 ones kya hua? The number is 57, and the number name is FIFTY 50 SEVEN 7. 57. Okay? 5 tens and 7 ones is 57. Then 5 tens and 8 ones. Again, remember children, we are adding 1 in ones. Okay, tens pe tum nahi add kar rahe na. So 6 ones tha, 6 pe 1 add kiya, it is 7 ones. Now 7 mein hum 1 add karenge, so it is 8 ones. So 5 tens and 8 ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So this is 5 tens and 8 ones. Okay? 5 tens and 8 ones. Now 5 tens, that is 50, and 8 ones is 8. So the number is 58, 5 tens and 8 ones. Kya hua number? 58. And the number name is FIFTY 50 EIGHT 8. 58.
8. Okay, 5 tens and 8 ones, that is 58. Now next is 8 ones mein humne fir 1 add kiya. So it is 9 ones, 7 ones, 1 add kiya, 8 ones, 8 ones mein 1 add karenge, so it is 9 ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ठीक है? 5 tens and 9 ones. So 5 tens is 50 and 9 ones is 9. क्या हुआ? 5 tens and 9 ones. So that is 5 tens is 50 and 9 ones is 9. So 50 and 9, that is 59. So the number is 59 and the number name is FIFTY 50 and NINE 9. 59. Okay. 7 ones plus 1 one, 8 ones. 8 ones plus 1 one, 9 ones. अभी हम 9 ones पे जब 1 और add करेंगे तो क्या हो जाएगा? That is 10 ones. तो let us see कि 10 ones होने पे क्या होता है. अभी 59 में रहने दे रही हूँ. I will not erase 59. मैं ऊपर का erase कर रही हूँ. ठीक है? इतना erase कर रही हूँ ऊपर का. We are adding 1 to 1s. तो अभी हम जब 9 1s में 1 add करेंगे, it will be 10 1s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So this is 5 tens and 10 1s. 9 1s में हमने 1 add किया, तो it becomes 10 1s, 5 tens and 10 ones. Now 10 ones का मतलब क्या है? Whenever it is 10 ones, we consider it as 1 10. अगर कहीं पे भी 10 ones का मतलब है, it is a collection of 10 single objects. So this is a collection of 10 flowers. तो ये हमने lesson के इसके previous lesson के beginning में ही सीखा था कि we make a collection of 1 10. अगर 10 objects है, जैसे numbers को भी वंस एंड टेंस में डिवाइड करने के लिए क्या हमने किया था, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स थी पहले उसमें हमने एक 1 10 का कलेक्शन बनाया. वी मेड अ कलेक्शन ऑफ 1 10. ठीक है ना? 10 ऑब्जेक्ट्स का हमने एक कलेक्शन बनाया एंड दैट कलेक्शन इज 1 10. 1 10 और 10 वंस दोनों का मतलब सेम है. 10 वंस का मतलब है कि 10 इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एंड 1 10 मीन्स 1 ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स. तो हमने यही किया था. वी डिड दिस ओनली. We first made a collection of 10 objects. That is 1 10. So that was 1 10. And उसके बाद जो भी objects बच गए, they were ones. Okay? So it is a collection of 10 flowers. ठीक है? तो 5 tens and 10 ones. तो जब भी 10 ones हो जाता है, we consider it as 1 10. This becomes 5 tens and in place of 10 ones. 10 ones को हम 1 10 कंसिडर करते हैं. 1 10 एंड वंस को जब हमने टेंस में ले लिया तो वी आर लेफ्ट विथ 0 ones. जब हमने वंस को टेंस के साथ ले लिया तो वी आर लेफ्ट विथ 0 ones. हमारे पास एक भी 1 नहीं बचा. तो व्हाट डू वी राइट? वी राइट एज 5 tens, 1 10, 0 ones. ठीक है? 5 tens, 1 10s, 0 ones. So 5 tens, that is 50, plus 1 10, that is 60, plus 0 ones is 1 10. Sorry, 1 10 is 10 plus 0. ठीक है? तो 50 plus 10, 60 plus 0. क्या होगा? 50 plus 10, 60 plus 0. किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो the number remains the same. So this is 60. Okay? So we have 6 tens and 0 ones. And you can also say, ये अगर नहीं लिख करके, 5 tens and 1 10. 5 tens and 1 10 का मतलब क्या हुआ? 5 tens plus 1 10 plus
जीरो वंस, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था कि 5, 10, 1, 10, 0, 1, दैट मीन्स इसका मतलब है कि वी आर यूजिंग द साइन ऑफ एडिशन, सिंबल ऑफ एडिशन ओनली इन बिटवीन। तो 5 tens + 1 ten, दोनों हमने टेंस को ऐड कर दिया। सो दिस इज 5 tens + 1 ten इज 6 tens + 0 ones। 0 ones कैसे आ गया? 0 ones आ गया बिकॉज इस 10 को हमने 1 के साथ, 10 के साथ ले लिया ना, 10 एंड 10 को हमने ऐड कर दिया। दिस 10 ones को हमने 1 ten में ले लिया। तो जब ones को हमने 10 में ले लिया तो वी आर लेफ्ट विथ 0 ones, कोई भी ones हमारे पास नहीं बचा। सो 5 tens + 1 ten + 0 ones, 5 tens + 1 ten, तो वी हैव एडेड बोथ द टेंस, दोनों टेंस को हमने ऐड कर दिया। तो दिस बिकम 6 tens + 0 ones, 6 tens is 16 एंड 0 ones is 0 ओनली, है ना। तो द नंबर इज 16। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो विच सेज दैट व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी नंबर द नंबर रिमेन्स द सेम। तो 60 + 0 is 60 ओनली, ठीक है। एंड द नंबर नेम इज SIXTY, 60, ओके। सो 51 to 60, ठीक है। आज 60 से आगे नहीं प्रोसीड करूंगी, देन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग नंबर्स फ्रॉम 61 to 70, देन 71 to 80, देन 81 to 90 एंड देन 91 to 100। एंड द मोमेंट वी रीच 100, जैसे हम 100 पहुंचते हैं, यू विल सी दैट देर आर 3 places। नाउ अभी 99 तक 90 and 9, देर आर 2 places। द मोमेंट वी रीच 100, 100, 100, द नंबर विल हैव 3 places। सो 0 to 9, 0 को तो हम काउंटिंग नंबर में नहीं इंक्लूड करते, 1 to 9 ऑल आर सिंगल डिजिट नंबर्स, सो ऑल द नंबर्स हैव ओनली 1 place, दैट इज 1's place, 1 to 9। जैसे ही हम 10 पे आते हैं द नंबर विल हैव 2 places। सो 10 से लेकर के 99, ठीक है, 1 से 9 तक ऑल आर सिंगल डिजिट नंबर्स। सो 1 इज द स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर एंड 9 इज द ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल मीन्स 1 जो है वो सबसे छोटा 1 digit का नंबर है एंड 9 जो है वो सबसे बड़ा 1 digit का नंबर है, ओके। 10 to 99, ऑल द नंबर्स आर 2 places, दैट इज 1's and 10's, ठीक है। तो 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 digit नंबर एंड 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 digit नंबर। 10 जो है वो सबसे छोटा 2 digit नंबर है और 99 जो है वो सबसे बड़ा 2 digit नंबर है। 99 में हमने 1 ऐड किया, इट बिकम्स 100। तो जैसे ही हम ग्रेटेस्ट, जैसे सिंगल डिजिट नंबर में हमने 1 ऐड किया तो वी गेट द स्मॉलेस्ट 2 digit नंबर, ग्रेटेस्ट 2 digit नंबर में हमने 1 ऐड किया तो वी गेट द स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर, ओके। सो 100 से लेकर 999 ऑल द नंबर्स विल हैव 3 places। सो 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर, 100 जो है वो सबसे छोटा 3 digit का नंबर है एंड 999 सबसे बड़ा 3 digit नंबर है। जैसे उसमें आप 1 ऐड करोगे वी विल गेट 1000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो है इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इसका कहीं पे कोई स्टॉपेज नहीं है, मतलब कहीं पे भी हम इसको ये नहीं कह सकते कि बस अब ख़त्म, इसके आगे कुछ नहीं है। नो, कुछ भी ख़त्म नहीं है। 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, 100 lakhs, crore, 10 crore, 100 crore, 1000 crore, 10,000 crore, goes on and on and on and on, आगे चलता ही जाता है, ओके चिल्ड्रन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द नंबर्स फ्रॉम 51 to 60। काउंटिंग तो सबको आती है, काउंटिंग यू ऑल नो, आई एम श्योर काउंटिंग 100, 200, 500, 1000 तक भी हो सकता है काउंटिंग आती हो, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ डू वी जनरेट अ नंबर। काउंटिंग तो मुझे पता है कि आप सबको आती होगी, बट नंबर्स को हम जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब हाउ डू वी गेट द नेक्स्ट नंबर। सो 51 to 60 वी हैव डन टूडे। Now in the next class we will be doing numbers from 61 to 70. So children, in case of any doubt, please watch the videos regularly and carefully. ठीक है, as I've told you so many times, classes में भी मैंने बोला है कि these videos are like your real classroom teaching. Classroom में भी मैं अगर पढ़ाती तो numbers मैं आपको ऐसे ही पढ़ाती,
ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस जो होती है दैट इज बेसिकली फॉर योर डाउट क्लियरिंग. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो चिल्ड्रन प्लीज डू वॉच द वीडियोज केयरफुली एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास. सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.